को आजाद हुए 75वां साल हो गया, लेकिन आज भी गरीब पर शोषण हो रहा है, आज भी ऑपरेटर पर शोषण हो रहा है, आज भी ड्राइवर पर शोषण हो रहा है, आज भी मजदूर पर शोषण हो रहा है। और इसका आवाज ना कोई नेता उठा रहा है ना सरकार उठा रहा है, दोनों के दोनों चुप बैठे हैं। और इसका आवाज हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा, हर ड्राइवर को बंदूक उठाना पड़ेगा, हर ऑपरेटर बंदूक उठाना पड़ेगा, हर मजदूर का ये आवाज उठाना पड़ेगा। हम लोग का आवाज दबना नहीं चाहिए और ये आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए। शेयर करिए पूरा भारत भर में और साथ दीजिए, एक साथ चलिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के साथ। दोस्तों, जो भी आज का वीडियो हम बताएंगे कि जो ऑपरेटर पर शोषण हो रहा है, जो ड्राइवर पर शोषण हो रहा है, जो मजदूर पर शोषण हो रहा है, इसका आवाज हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, आज कहीं महाराष्ट्र से वीडियो शोषण का वीडियो आ रहा है तो कहीं हैदराबाद से शोषण का वीडियो आ रहा है, कहीं बिहार से आ रहा है तो कहीं कश्मीर से आ रहा है। काम कराते वक्त मीठा मीठा बात किया जाता है, लेकिन वेतन देने के समय क्यों आप शोषण करते हैं, ये एक सवाल है। जब आपका काम नहीं रहता है तो आप ऑपरेटर को हिसाब नहीं करते हैं, बैठा के रखते हैं। आज जब पेमेंट देने के बारी आता है तो उसको डीजल का चोरी का इल्जाम लगा के आप बोलते हैं भैया ये डीजल चोरी किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्राइवर पर काम करने के समय मीठा मीठा बात करते हैं, जल्दी आ जाओ गाड़ी, स्पीड लेके आ जाओ गाड़ी, लेकिन जब पेमेंट देने का समय आता है तो ड्राइवर को बोलते हैं कि अब टायर फट गया, ब्लास्ट होगा टायर, आपका 20,000 का वेतन काट देंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्राइवर का बहुत सारे यूनियन है और ऑपरेटर का भी कहीं कहीं जिला स्तरीय पे यूनियन बनाए हैं, उड़ीसा में बनाए हैं, महाराष्ट्र में कहीं बनाए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। यूनियन का मतलब होता है अध्यक्ष आगे ना बढ़े, ऑपरेटर को आगे बढ़ाए, ड्राइवर को आगे बढ़ाए, उनको कुछ। अगर ड्राइवर का यूनियन हर जगह है, हर स्टेट में है, लेकिन उनका पेमेंट ना दिन पर दिन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, क्यों? तो यूनियन बाजी वो लोग कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। आप लोग जितने भारत के ऑपरेटर ड्राइवर मजदूर हैं, सबसे हम विनती करेंगे कि साथ रहिए, एक साथ चलिए। अगर ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बनाना है, ड्राइवर शोषण मुक्त भारत बनाना है, तो साथ दीजिए, एक साथ चलिए और कदम से कदम मिला के चलिए। और वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हर ऑपरेटर भाई के पास पहुंचे। और जो ऑपरेटर या ड्राइवर बोलते हैं कि हमारा पेमेंट सही सलामत मिल रहा है, तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि भैया समय कभी भी बदल सकता है, कल आपका अगर टायर फट जाता है या कोई ऑपरेटर का अगर डीजल में टंकी में से डीजल चोरी हो जा रहा है, अगर आप भी नहीं बेच रहे हैं और दूसरा कोई गांव वाला या कोई बगल वाला कहीं अब मशीन छोड़ के चला गया, अगर डीजल चोरी हो गया तो आपका ऊपर इल्जाम लगेगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए और संस्था के साथ कदम से कदम मिला कर चलिए। और वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, वीडियो रुकना नहीं चाहिए। अगर आप एक सच्चे ऑपरेटर हैं, एक सच्चे ड्राइवर मजदूर हैं, तो आप वीडियो को इतना शेयर करिए हर ऑपरेटर हर ड्राइवर पूरा हिंदुस्तान के पास पहुंचे, जो जिसको तेलुगु पता है या नहीं है उनके पास भी पहुंचे ये वीडियो। वीडियो को शेयर करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने ऑपरेटर भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।